आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों से जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मी के आत्मदाह के मामले में उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष सचिव ने कहा है कि द्वीप समूह में संचार संपर्क में इस वर्ष दिसंबर तक सुधार होगा। पोर्ट ब्लेयर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है और एमवी हर्षवर्धन की कोलकाता की निर्धारित यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संदेश में उपराज्यपाल ने सभी से जनसंख्या नियंत्रण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विश्व की जनसंख्या 2011 तक 7 बिलियन तक पहुंच चुका है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है और जिसके पास विश्व की कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भूभाग है। उपराज्यपाल ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए भारत को अहम भूमिका निभाना है। इस बीच विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज प्रातरापुर के सामुदायिक हॉल में सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा गया है। इस बार का विषय है खुशहाल परिवार का मंत्र, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर। पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, अर्ध चिकित्सा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, युवा क्लब, आशा और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी होगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे परिवार के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के कर्मी एएल सेवा का मूर्ति के आत्मदाह करने के मामले में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान आत्मदाह के कारणों से जुड़ी सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया है। प्रशासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा ने कहा है कि संचार संपर्क में दिसंबर तक सुधार होगा और अगले 2-3 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य पूरा हो जाने पर द्वीप समूह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन जाएगा। कल आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि द्वीप समूह में बैंडविड्थ की कमी के कारण फिलहाल संचार संपर्क में दिक्कतें आ रही हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक सरकारी सुविधाओं को प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के सफल हो जाने के बाद हर नागरिक को सरकारी सेवाएं बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो सकेंगी। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम